कि अभी ये शिक्षित हैं, इन्होंने ग्वालियर, इंदौर, देवास, रीवा, सतना, मध्य प्रदेश के अंदर जहां भी अगर हमारे समाज के लोगों के ऊपर अन्याय होता है तो ये महापंचायत के सभी पदाधिकारी एक जगह अगर घटना होती है तो हर जिले, एक जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश स्तर पर हड़ताल करते हैं और प्रदर्शन करते हैं और दिखाते हैं कि वाल्मीकि समाज किसी से कमजोर नहीं है। अब मध्य प्रदेश वाल्मीकि महापंचायत ने ठाना है कि अब ये मध्य प्रदेश वाल्मीकि अगर देश के अंदर कहीं पर भी समाज के ऊपर अत्याचार होता है तो मध्य प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, गुजरात ही नहीं, पूरे देश के अंदर संसद के अंदर, संसद में आवाज उठनी चाहिए। उसके पहले हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा, सड़कों पर उतरेंगे तो हमारी आवाज उन तक पहुंचेगी और संविधान के दायरे में रहकर हमें प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि हम इस देश के, इस देश, ये जो देश चलता है ये बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से चलता है, किसी और चीज से नहीं चलता है। आज हमें जो भी दिया है वो बाबा साहब ने दिया है, वो बाबा साहब ने दिया है, वो किसी और ने नहीं दिया है। आज हम भटके हुए हैं, हमारा उद्देश्य है सभी संगठनों को, सभी संगठनों को मैं साथ चलने के लिए तैयार हूं। अगर ये संगठन युवा शक्ति का साथ दे, युवा शक्ति का नेतृत्व स्वीकार ना होगा, क्योंकि ये युवा शक्ति ही अब परिवर्तन लाएगी, क्योंकि बिना युवा शक्ति के परिवर्तन नहीं होने वाला है। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि समाज में जो युवा लोग हैं वही समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं, वही लोग, बस मैं यही चाहता हूं कि हमारे लोग जहां कहीं भी हो समाज की आवाज उठाते रहें, तब तक उठाते रहें जब तक हमारे लोगों को हक और अधिकार ना मिल जाए। सभी साथियों को एक बार मेरा क्रांतिकारी जय भीम।